मध्य प्रदेश में मॉनसून का कहर जारी है, जिससे ग्वालियर के डबरा में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई लोग बाढ़ में फंस गए हैं, जिन्हें सेना के जवानों द्वारा सुरक्षित निकाला जा रहा है। मौसम विभाग ने ग्वालियर और डबरा के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। डबरा ब्लॉक के नुनहारी गांव में भारतीय सेना ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आर्मी के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी और उनकी टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। अब तक 525 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्थायी राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। जिला प्रशासन ने इन शिविरों में खाद्य पदार्थ और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की है। सेना की सहायता से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बचाव कार्य जारी है। तिघरा, रमोवा, ककैटो सहित सभी प्रमुख बांध पानी से भर चुके हैं और निचले इलाकों में बसे ग्रामीणों से सावधान रहने की अपील की गई है। नंदो का डेरा, खेड़ी रायबल, सेंकरा आदि गांवों से भी लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने जिलेवासियों से सावधानी बरतने और कमजोर घरों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। अत्यधिक बारिश के कारण आंगनबाड़ी और स्कूलों में 13 और 14 सितंबर को छुट्टी घोषित की गई है, जो सिर्फ छात्रों के लिए होगी।